अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नादिया। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े का क्रीमी सैलड बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का ये सैलड बनता है और बहुत आसान रेसिपी है, कोई भी इस रेसिपी को बना सकता है, बहुत क्विक बन जाता है। तो फिर बिल्कुल भी देर किए बगैर जल्दी से मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और आप लोग देख लो इसको मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी मायोनीज़। 1 कप भर के मैं इसमें मायोनीज़ ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 2 चुटकी ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चुटकी मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच चीनी और 2 खाने के चम्मच मलाई और 2 खाने के चम्मच ही मैं इसमें दूध ऐड करूंगी और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। आप लोग चाहो तो इसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। और अब ये देखिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एप्पल। 4 मैंने एप्पल लिए थे जिनमें से 1 एप्पल का मैंने छिलका नहीं उतारा, 3 एप्पल छील के काट के वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबले हुए सफ़ेद चने और अब मैं इसमें ऐड करूंगी उबले हुए रेड किडनी बीन्स और उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी उबला हुआ पास्ता और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और बहुत मज़े का हमारा जो क्रीमी सैलड है वो रेडी हो जाएगा। बहुत हेल्दी सैलड है ये, बहुत मज़े का बनता है और बहुत क्विक बन जाता है। आप लोगों ने देखा, सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और ये सैलड बन के रेडी हो गया है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आप लोगों के पास इसी तरह से मेरी नई नई अच्छी और क्विक रेसिपीज़ जल्दी जल्दी से आती रहें। और बस अब ये देखें, सैलेड को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और बहुत मज़े का क्रीमी सैलेड बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी और वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।